हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू सी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले को समझने से पहले हम इसके पहले प्रिंसिपल को समझ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिसमें क्या होते हैं, इसमें एक क्वाइल होते हैं जो एनर्जाइज होते हैं। क्वाइल एनर्जाइज होने के कारण क्या होते हैं, क्वाइल के जो कोर होते हैं उसमें फ्लक्स जेनरेट होते हैं। अभी कोर के जो पोल हैं वहाँ पर एक शेडेड पोर्शन होते हैं और एक अनशेडेड पोर्शन होते हैं। बिकॉज ऑफ डैट दिस मेन फ्लक्स स्प्लिट इंटू टू फ्लक्सेस विच आर डिस्प्लेस्ड इन टाइम एंड स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ द टू फ्लक्सेस टॉर्क इज जेनरेटेड एंड दिस टॉर्क आर अक्रॉस द डिस्क। और वो डिस्क के अक्रॉस होने के कारण जो मेरे रोटेटिंग डिस्क होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। डिस्क रोटेट करने के कारण जो मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो फिक्स कॉन्टैक्ट में जाके मेक होते हैं, जिसके कारण मेरे जो रिले हैं वो ब्रेकर को ट्रिप कमांड सेंड करते हैं। तो ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले का। अभी हम इस रिले को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रिले में है ये है मेरा करेंट कॉइल जो मेरा कनेक्टेड होता है सीटी सेकेंडरी से। तो इनकेस जब मेरा फॉल्ट होता है तो मेरा प्राइमरी करंट मेरा काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मेरा सेकेंडरी करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और करंट इंक्रीज होने के कारण क्या होते हैं, ये जो क्वाइल है वो एनर्जाइज हो जाते हैं। क्वाइल एनर्जाइज होने के कारण क्या होते हैं, जो कोर है ये जो क्वाइल में, जो क्वाइल के अक्रॉस जो कॉपर के कोर हैं वहाँ पर फ्लक्स जेनरेट होने लगते हैं। और जो कोर हैं वो अक्रॉस होते हैं वो रोटेटिंग डिस्क के। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वाइल है उसके अक्रॉस मेरे कोर गए हैं। अभी कोर में क्योंकि मेरे फ्लक्स जेनरेट हुए हैं और जो कोर है मेरे डिस्क के अक्रॉस, अभी आप ये इसे बोलते हैं पोल ऑफ द कोर। अभी ये जो पोल हैं वो मेरे डिवाइड हो जाते हैं शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। ये जो आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं शेडेड पोर्शन और इसे बोलते हैं अनशेडेड पोर्शन। नाउ द फ्लक्स कम टू दिस पॉइंट एंड आफ्टर दिस फ्लक्स स्प्लिट इनटू शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन एंड दिस फ्लक्स इज डिस्प्लेस्ड इन टाइम एंड स्पेस। डिस्प्लेस बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो फ्लक्स जो स्प्लिट हुए हैं वो एक दूसरे के बीच में कुछ 90 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अगर मेरा एक साइनसोइडल वेव है, एक फ्लक्स मेरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे फ्लक्स कुछ 40 डिग्री से स्टार्ट होंगे, तो वो क्या है कि एक फ्लक्स मेरे लैग रहेंगे 40 या 50 डिग्री के। तो बिकॉज ऑफ दिस वन टॉर्क इज जनरेटेड अक्रॉस दिस रोटेटिंग डिस्क, और वो टॉर्क है वो मेरे डिस्क को रोटेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अभी क्या है, ये डिस्क मेरे रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये डिस्क के अक्रॉस क्या है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट है। आप ये देख सकते हैं इसे हम फिक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये जो दोनों हैं ये मेरे फिक्स कॉन्टैक्ट है जो नॉर्मली फिक्स रहते हैं। अभी ये डिस्क से अटैच एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है। अभी जैसे मैं डिस्क को घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक वर्टिकल एक मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी घूम रहे हैं। तो डिस्क के घूमने के कारण क्या होते हैं, जो मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट में जाके मेक हो जाते हैं। अभी क्या है कि अभी आप देखिए, जब मैं ये डिस्क को छोड़ देता हूँ तो मेरा जो डिस्क है वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। जो मेरा प्री डिफाइंड पोजीशन है डिस्क का उसमें वो वापस आ जा रहा है। ये वापस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग प्रोवाइडेड। अभी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क में यहाँ पर स्प्रिंग दिया है। आप देखिए ये है, ये आपका स्प्रिंग है। अभी मैं डिस्क को जब मैं डिस्क को रोटेट करता हूँ और फिर मैं डिस्क को छोड़ता हूँ तो ये स्प्रिंग के थ्रू ये मेरा डिस्क ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो जो ये स्प्रिंग जो मेरा जो टॉर्क जनरेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो अगर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो करंट मेरा एनर्जाइज इतना होगा कि जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क व्हेन ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क देन ओनली दिस डिस्क विल रोटेट, अदरवाइज डिस्क मेरा रोटेट नहीं करेगा। तो अभी क्या हुआ, अभी मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट को जाके मेक हो गया।
अभी जैसे ही मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट को जाके मेक होता है, तो ये मेरा जो ये वायर के थ्रू, ये जो वायर केबल है इसके थ्रू ये मेरा इस रिले को एनर्जाइज करता है, ये मेरा क्वाइल है वो इसे एनर्जाइज करता है। ये एनर्जाइज होने के कारण आप नीचे में प्लेट देख सकते हैं, ये एनर्जाइज, ये जब मेरा रिले एनर्जाइज होता है, ये जो मेरा क्वाइल एनर्जाइज होता है, इसके कारण क्या होता है, ये जो नीचे के प्लेट है ये ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ये ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। ये जो मेरे प्लेट है वो मेरे एनओ एनसी से कनेक्टेड हैं। ये क्या होते हैं, नॉर्मली जब मेरा जो रिले मेरा डी एनर्जाइज रहता है ये वाला, तो क्या होते हैं ये नीचे रहते हैं। नीचे होने के मतलब क्या हो गए, ये मेरे एनओ रहते हैं नॉर्मली ओपन। जब मेरे एनर्जाइज होते हैं तो ये मेरे प्लेट क्या होते हैं, ऊपर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे प्लेट ऐसे करके ऊपर हो जाते हैं। ऊपर होने के कारण क्या होते हैं कि ये में जो मेरे एनओ हैं वो इस तरह से एनसी हो जाते हैं। एनसी होने के बाद क्या होता है, ये जो पॉइंट है वो हम ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही ये पॉइंट मेरा एनसी हो जाता है, मेरा ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड प्रोवाइड हो जाता है और मेरा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, मींस ओपन हो जाता है। तो ये मेरा बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले का, कि जैसे ही मेरा क्वाइल एनर्जाइज हुआ यहाँ से फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट होने के बाद यहाँ पे फ्लक्स स्प्लिट हो गया, उसके बाद मेरा ये जो रोटेटिंग डिस्क है रोटेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट मेक हो रहा है मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट, जिसके कारण मेरे जो ऊपर के क्वाइल है वो मेरे एनर्जाइज हो गए। वो एनर्जाइज होने के कारण ये प्लेट है वो मेरे अट्रैक्ट हुए, वो अट्रैक्ट होने के कारण क्या हो गए, जो मेरे एनो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन वो मेरे क्लोज हो गए। क्लोज होने के कारण क्या हो गया, रिले को मेरे ट्रिपिंग कमांड चले गए। अभी क्या होता है कि अभी हम नॉर्मली रिले को इंस्टेंटेनियस ट्रिप कमांड सेंड नहीं करते हैं, ब्रेकर को इंस्टेंटेनियस ट्रिप हम नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम डिले, करंट सेटिंग, ये सभी हम इस रिले से प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि उसे हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस रिले में जनरली तीन चीज़ें रहती हैं। पहला है हो गया टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, आप ऊपर देख सकते हैं। दूसरा हो जाता है आपका ऑपरेटिंग करंट, हम कितने करंट में हम रिले को ऑपरेट करवाना चाहते हैं। और थर्ड होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो हम इस तीन चीज़ों का यूज कैसे करते हैं अभी हम ये समझेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर इस टॉप टेबल को देखिए, जो इसमें ऊपर लिखे हुए 1.5 2 3 4 यहाँ पे 20, इसे हम बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM। और जो नीचे लिखे हुए हैं 19.4 10 6.2 5 यहाँ पे 2.2, ये हो गए टाइम, ऑपरेटिंग टाइम। और जो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग करंट या फिर पिकअप करंट। अभी हम चाहते हैं कि जो मेरा रिले है वो मेरा जब सेकेंडरी में करंट सपोज 1.5 एम्पियर आए तो 19.4 सेकेंड में ट्रिप होगा रिले। अगर ये कब होगा, जब मेरा यहाँ पर इसे जो हम बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम समझ के चलते हैं ये 100% है, ये मेरा अभी नॉर्मल कंडीशन है। 100% होने का मतलब क्या हुआ, अभी पहले समझते प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है, आपका जो फॉल्ट करंट है डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट या फिर ऑपरेटिंग करंट, उससे आता है हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो ऑन प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ऑपरेटिंग करंट, पिकअप करंट, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द पैरामीटर इन द डिटेल्ड वे। अभी के लिए आप समझिए कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है, कि जो मेरा फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट बाय दिस ऑपरेटिंग करंट या फिर पिकअप करंट, उसे हम बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो अगर मेरा पिकअप करंट 1 रहता है तो जो मेरा सेकेंडरी में जो मेरा करंट है वही मेरा होगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो अभी नॉर्मली समझ के चलते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग करंट 1 है। अभी हम समझते हैं कि मेरा जो सीटी रेशियो है वो 200/1 है, सीटी रेशियो मेरा 200/1 है। तो अगर मेरा सेकेंडरी सीटी में 1.5 मेरा करंट आएगा तो मेरा 19.4 सेकेंड में मेरा ये रिले ट्रिप कमांड सेंड करेगा ब्रेकर को। अभी जब मेरा सेकेंडरी करंट जो रिले में, अगर मेरा 200/1 का रेशियो है,
सेकेंडरी में 20 एम्पेयर, सेकेंडरी में 20 एम्पेयर कब आएगा, जब प्राइमरी में 4000 एम्पेयर, डेट इज 4 किलो एम्पेयर रहेगा। तो जो मेरा रिले है वो 2.2 सेकेंड में ट्रिप सिग्नल भेजेगा ब्रेकर को। अभी ये कैसे भेजेगा, अगर मेरा 20 एम्पियर है तो जो मेरा जो डिस्क रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो मेरा डिस्क रोटेट हो रहा है वो 2.2 सेकेंड में वो मेक करेगा, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट को मेक करेगा और ट्रिप कमांड भेजेगा ब्रेकर को। अभी सपोज मेरे को क्या चाहिए कि अगर मेरा सेकेंडरी सिटी में 20 एम्पियर अगर आता है तो 2.2 सेकेंड नहीं, मेरे को 1.1 सेकेंड में ही रिले को ट्रिप सिग्नल सेंड करना है ब्रेकर को। मेरा ब्रेकर 1.1 सेकेंड में ही ट्रिप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है उसे मैं 50% कर दूँगा। आप देख सकते हैं इसे मैं, अगर मैं 50% करता हूँ तो क्या होगा कि जो भी मेरा टाइम है, अगर मैं इसे 50% करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो भी टाइम है 10, 6.25 वो सभी मेरे 50% हो जाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 2.2 है तो 1.1 हो जाएगा, 2.5 है तो 1.25 हो जाएगा, 3 है तो 1.5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरा 20 एम्पियर अभी अगर मेरा फॉल्ट करंट होता है तो 20 एम्पियर सेकेंडरी में मेरा करंट है तो अभी क्या होगा, मेरा 1.1 सेकेंड में ही ये रिले है वो ट्रिप कमांड सेंड कर देगा ब्रेकर को। अभी ये कैसे कर रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, मैं टाइम सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट के करीब आते जा रहा है। जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो मेरा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी जैसे कि मैं 50 से 20 में करता हूँ तो आप नोटिस कीजिए कि मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट कैसे घूम रहा है। अगर देखिए, अगर मैं इसे 50 से 20 में कर रहा हूँ तो मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी मेरा फिक्स कॉन्टैक्ट के करीब आ रहा है। अभी मैं 20% करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है सभी का वो 20% हो गया है। अभी सपोज मैं 10% करता हूँ और भी मैं कम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 10% किया तो क्या हो गया कि जो भी मेरा टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग टाइम वो मेरा 10% हो गया। अभी मेरा 20 एम्पियर अगर सेकेंडरी में करंट आया, 20 एम्पियर कब आएगा, जब 4 किलो एम्पियर प्राइमरी में आएगा, अगर मेरा 201 का सिटी है तो मेरा 10%, अभी मेरा 10% कितना होगा, 0.22 सेकेंड, डैट इज 220 मिली सेकेंड में ही जो मेरा रिले है वो ट्रिप कमांड सेंड कर देगा ब्रेकर को। तो ये मेरा नॉर्मल है। अभी हम समझते हैं ये ऑपरेटिंग करंट क्या होता है, ऑपरेटिंग करंट या पिकअप करंट। अभी समझिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिले है वो तभी ट्रिप कमांड सेंड करे ब्रेकर को तब जब मेरा सेकेंडरी में 4 एम्पियर करंट रहे। फिर से हम समझ के चलते हैं 200/1 का सिटी, सेकेंडरी में 4 एम्पियर करंट रहे तभी मेरा ये जो रिले है वो ट्रिप कमांड सेंड करे ब्रेकर को। 4 एम्पियर करंट कब रहेगा, जब प्राइमरी में 800 एम्पियर करंट रहेगा तो उसके बाद उससे क्या होगा कि सपोज अभी मैं 4 करके चला तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में क्या बताया कि फॉल्ट करंट बाय ऑपरेटिंग करंट। अभी सपोज करके चलिए कि मेरा फॉल्ट करंट है 4 किलो एम्पियर, अगर 4 किलो एम्पियर मेरा फॉल्ट करंट है तो मेरा सेकेंडरी में कितना आएगा 20 एम्पियर। तो आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा 20 एम्पियर बाय 4, डेट इज 5 एम्पियर, तो 5 मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होगा, 20 एम्पियर बाय 4 एम्पियर डेट इज 5, तो मेरा 5 यहाँ पर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 5 है, तो इसके लिए मेरा क्या होगा 4.3 सेकेंड। अगर मैं 4 एम्पियर में ऑपरेटिंग करंट रखता हूँ और मेरा 4 किलो एम्पियर मेरा फॉल्ट करंट होता है तो मेरा 4.3 सेकेंड में मेरा ये जो रिले है वो ट्रिप कमांड सेंड करेगा ब्रेकर को जब मेरा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर 100% रहा। तो अभी मेरा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कितना है 10%, तो यहाँ पर 4.3 सेकेंड में नहीं, यहाँ पे इसका 10% 0.43 सेकेंड, डेट इज 430 मिली सेकेंड में ट्रिप कमांड सेंड करेगा ब्रेकर को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर लाइक मैं 20% 30% 40% 50% जितना भी अपने हिसाब से मैं सेट करता हूँ। अगर मैं 50% सेट किया, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई मेरा 5 है
तो मेरा 2 4.3 का 450% कर दीजिए, 215 सेकेंड में मेरा ये जो रिले है वो ट्रिप कमांड सेंड कर देगा ब्रेकर को। तो आई होप आप समझ रहे होंगे ऑपरेटिंग करंट, अगर मैं ऑपरेटिंग करंट 2 रखता हूँ और मेरा अगेन मेरा अगर सेकेंडरी में फॉल्ट करंट मेरा 20 है तो 20 by 2 10, तो मेरा 10 हो जाएगा आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो मेरा रिले कब ट्रिप करेगा 3 सेकेंड में, जब मेरा 100% रहा तो। अभी मेरा कितना है 50%, तो मेरा रिले ट्रिप करेगा 1.5 सेकेंड में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरह से ऑपरेटिंग करेंट, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, टाइम सेटिंग एंड टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का यूज करके हम किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं एक सब स्टेशन में, किस तरह से हम रिले से हम ट्रिप कमांड सेंड करवा सकते हैं ब्रेकर को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।